नमस्कार एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूँ। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन 2019 की शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र से करते हुए मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत किया छाया नगर में डोर टू डोर कैंपेन। बस्ती वासियों को भरोसा देते हुए कहा, जब तक रघुवर दास सत्ता में रहेंगे किसी भी बस्ती को तोड़ा नहीं जाएगा। जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय सभागार में कोल्हान पुलिस पदाधिकारियों की आयोजित की गई बैठक, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों के पुलिस पदाधिकारी भी शामिल। नक्सल गतिविधियों पर हुई चर्चा, चुनाव में नक्सली न बने बाधक, इस पर दिया गया ध्यान। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में अब रखी जाएगी तीसरी आंख से नजर। लगातार मरीजों के साथ हो रही समस्या तथा डॉक्टरों की गैर हाजिरी पर रखी जाएगी नजर। अस्पताल में लगेगा 125 सीसीटीवी कैमरा। शहर के विभिन्न इलाकों में वाहनों की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने लिया गिरफ्त में। इन दिनों शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों की बैटरी की हो रही थी भयानक चोरी। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 3 चोर को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मिशन 2019 की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने विधानसभा क्षेत्र के छाया नगर से की। मुख्यमंत्री रघुवर दास छाया नगर पहुंचे, जहां लोगों से मुलाकात की और सभी के घर घर जाकर झंडा दिया और स्टिकर देकर लोगों को पार्टी के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2019 की तैयारी मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान से शुरू की है और इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उधर मुख्यमंत्री रघुवर दास महिलाओं से मुलाकात कर सुकन्या योजना के बारे में जानकारी हासिल की। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद ब खुद कहा कि सुकन्या योजना की जानकारी ज्यादातर महिलाओं को नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छाया नगर में बस्ती वासियों को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि चुनाव सामने है और कई विपक्षी पार्टियां आपको दिग्भ्रमित कर सकती है और कहेगी कि बस्ती को सरकार तोड़ने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे किसी भी बस्ती को तोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, पूरे देश में ये जो दुनिया का विशाल संगठन का नेतृत्व जो हमारे अमित शाह जी कर रहे हैं और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनका आह्वान था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेरा परिवार भाजपा परिवार, और उस निमित्त पूरे देश में आए ये अभियान चल रहे हैं। उसी निमित्त एक कार्यकर्ता की हैसियत से आज सीताराम डेरा मंडल में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक के साथ मिलकर छाया नगर, जहां हमारे गरीब लोग किसी प्रकार अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उस मोहल्ले से जो पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय का सपना था, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट लाना, ऐसे बस्ती को चुनकर आज भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत झंडा बांधना, स्टिकर बांधना और सरकार की योजनाओं को बताने का काम कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद लोगों में खुशी देखी गई, जिसको के द्वारा बिजली और पानी छाया नगर को मिल रही है, ये भी भाजपा का ही प्रयास है। उधर उसके बाद मुख्यमंत्री निर्मल नगर और कुष्ठ आश्रम पहुंचे, जहां आम जनता से उन्होंने मुलाकात की, पार्टी का झंडा और पोस्टर लोगों को घर घर पहुंचाया। वहीं कुष्ठ आश्रम में बन रहे बिल्डिंग का निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल जाना। इस छाया नगर में मूलभूत सुविधाएं की काफ़ी कमी थी। आज टिस्को के द्वारा हमने सभी दीदियों से पूछा, बोला घर घर पानी पहुंच गया, घर घर लाइट पहुंच गया, घर घर स्ट्रीट लाइट, मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट भी है। तो एक गरीब को जो गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जो मूलभूत सुविधाएं, वो मूलभूत छाया नगर की जनता को मिल रहे, इससे मुझे भी बहुत अंतःकरण से खुशी हुई, क्योंकि ये मेरा ही थाना क्षेत्र है। चुनाव आ रहे हैं, जितना बरसात में जैसे मेढक टर टर करता है, कुकुरमुत्ता के तहत नेता जिसको बस्ती का काखा नहीं जानता,
वो बस्तियों को अब गुमराह करने का काम की बस्ती को उजड़ेगा। जब तक रघुवर दास झारखंड में मुख्यमंत्री है, कोई हस्ती नहीं कोई बस्ती को उजाड़ सके। मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनकर घूमते नजर आए। हर लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सेल्फी लेते और अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंचाते रहे। उधर मुख्यमंत्री जिस बस्ती में प्रवेश किए, लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जहां परम जोशी से अपने मुख्यमंत्री का लोगों ने स्वागत किया, यहां तक कि लोग अपने दरवाजे पर खड़े होकर फूलमालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत करते नजर आए। जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय सभागार में कुल्हान पुलिस पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। साथ ही इस बैठक में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों के पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीआरपीएफ व कोबरा के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित की गई थी। साथ ही झारखंड, बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में नक्सल गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में किसी तरह नक्सली चुनाव में किसी प्रकार से बाधक न बने, इस पर चर्चा हुई। तीनों राज्यों के पुलिस पदाधिकारी ने नक्सल गतिविधियां चुनाव में नहीं हो, इसको लेकर चर्चा की। साथ ही अभी से सीमावर्ती इलाकों में पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने पर भी सहमति बनी, ताकि नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी, ये बंगाल और झारखंड के साथ में थी। ये एक तरह से इलेक्शन की तैयारियों के मद्देनज़र सीआरपीएफ के सारे ऑफिसर्स और पुलिस के सारे ऑफिसर्स की इन तीन जिलों की मीटिंग थी, जिसमें वेस्ट में झाड़ग्राम, पुरुलिया और जमशेदपुर जिला शामिल है और साथ में सरायकेला के एसपी भी इस मीटिंग में शामिल थे। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातों पर डिस्कस किया, किस तरह से इलेक्शन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, कहां कहां पर बॉर्डर में चेक पोस्ट होंगी जो कि हम लोग लगाएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ ही, झारखंड साइड में भी और बंगाल के साइड में। विभिन्न उग्रवादियों के नाम, उनकी फ़ोटोज़, उनके बारे में जानकारी एक दूसरे से शेयर की गई। इसके अलावा जो सहयोग समर्थक हैं नक्सलियों के, उनके बारे में जो है रिपोर्ट है वो आपस में से शेयर की गई। इंटर स्टेट बॉर्डर में जो इंटर स्टेट ऑपरेशंस हैं वो हम लोग चलाएंगे इलेक्शन के पहले, जिससे एरिया डोमिनेट करके हम लोग रहें और रोड्स इत्यादि क्लियर करके रहें, जिससे किसी प्रकार का कोई खतरा ना रहे। और जिस समय हमारे यहाँ वोटिंग होगी, उस समय पश्चिम बंगाल की तरफ में ऑपरेशन चलाए जाएंगे नक्सलियों के खिलाफ, जिससे कहीं कोई घटना अंजाम ना दे सके। और इसी तरह से जब वेस्ट बंगाल साइड में वोटिंग होगी, तो हम लोग झारखंड तरफ से सपोर्ट करेंगे और ऑपरेशन चलाएंगे। कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। लगातार अस्पताल में मरीजों के साथ हो रही समस्या और अस्पताल के डॉक्टरों पर गैर हाजिर रहने का आरोप लगा करता था। साथ ही अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों द्वारा मरीजों से बदतमीजी की जाती थी, जिसके बाद अब एमजीएम अस्पताल में 125 सीसीटीवी कैमरा लगवाया जा रहा है। ये सभी कैमरे लगने के बाद अस्पताल के कोने कोने पर इस कैमरे से नजर रखी जाएगी। वहीं अस्पताल के अधीक्षक सीधे इस कैमरे से पूरे अस्पताल की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही अस्पताल में मौजूद मरीजों को किसी तरह परेशानी होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीसीटीवी कैमरा लगने से अस्पताल में नए मरीजों में काफी खुशी देखी जा रही है। उन लोगों का कहना है कि अब जो डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहते हैं, उन डॉक्टरों की खैर नहीं, इसका बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ बेड वगैरह डॉक्टर लोग टाइम से रहें, सब नज़र में आएंगे। दवा टाइम से नहीं होता है, बेड की वजह से पेशेंट लोग नीचे ज़मीन में पड़े हुए हैं, इसके चलते कितने जन इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। सिस्टर को जाकर बोलने से लोग सुनते नहीं हैं, बोलते हैं कि अगले टाइम में होगा, डॉक्टर लोग तो लेके चल जाते हैं, लेकिन सिस्टर लोग भी वही काम करती है, लापरवाही कर रहे हैं लोग। फ़ायदा तो होगा, लेकिन इस पर ध्यान देंगे तब ना। पहले बहुत दिनों से यहाँ वांछित था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे, तो इस बार निविदा होने के पश्चात अभी यहाँ लगभग 125 कैमरे जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि पूरे क्षेत्र का, खासतौर पे जितने भी वाइटल जगह हैं और मेन गेट है, इमरजेंसी है, ओपीडी है, तो हर जगह यहाँ दृष्टि रखी जा सके सारी गतिविधियों पे, तो वह कार्य प्रगति पे है
और 15-20 दिन के अंदर इसके अंदर पूरा हो जाएगा। तेज है, पहले से जब से मैं आया और आज की स्थिति में साफ सफाई बहुत सुधर गई है, डॉक्टरों की कार्यशैली पहले से बेहतर हुई है, उपस्थित भी लगभग नियमित हो रहा है, तो ये प्रगति हुई और गड़बड़ियाँ या कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, विभाग से भी मदद ली जा रही है और यहाँ सहयोग सबसे मिल रहा है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर पुलिस ने शहर के एक चोर गिरोह को धर दबोचा। इस गिरोह में 3 चोर हैं, जिनके द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में बड़े वाहनों के बैटरियों की चोरी की जाती थी और कई वाहन मालिक इनके शिकार भी बन चुके थे। गिरफ्तार चोरों में शाहनवाज मल्लिक, दीपक सरदार तथा मोहम्मद जावेद शामिल है। नगर पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा, विभिन्न थाना इलाकों में बड़े वाहनों से बैटरी चोरी होने की शिकायत लगातार दर्ज की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और गिरोह के सरगना शाहनवाज मल्लिक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनकी निशानदेही पर दीपक सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं चोरी किए गए बैटरी को मोहम्मद जावेद बेचने का काम किया करता था, उसे भी पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से 19 चोरी की बैटरी पुलिस ने बरामद की है। साथ ही जिस कार में बैठकर इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता था, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। आज एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जो गिरोह शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूम घूमकर ये लोग गाड़ी से बैटरी की चोरी किया करते थे। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें शाहनवाज मल्लिक, दीपक सरदार और मोहम्मद जावेद हैं।
ये 11-12 फरवरी की रात्रि में बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही इंडिगो कार से बैटरी चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आलोक में डीएसपी सिटी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, उसी में कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उस कार से जो बैटरी की चोरी हुई थी उसको बरामद किया गया, बल्कि उसके साथ साथ 18 और बैटरी जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न गाड़ियों से चोरी की गई थी उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो 3 लोग संलिप्त है उसमें से 2 लोग चोरी करने का काम करते हैं, शाहनवाज एवं दीपक सरदार, और जो मोहम्मद जावेद है ये रिसीवर का काम करता है। ये चोरी किए गए बैटरियों को ले करके और उसको विभिन्न तरीके से गला करके ये लोग बेचने का काम करते हैं, और जो चोरी करके देता है इसमें एक और दुकानदार की बात सामने आ रही है। हम लोग डिटेल में जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके बाद जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको भी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस उद्भेदन से शहर में इस प्रकार की घटनाओं में काफी कमी आएगी। और जमशेदपुर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई योजना के संबंध में जानकारी दी गई। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में श्रम विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले नई योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान प्रमंडल के उपश्रम आयुक्त राकेश प्रसाद ने कार्यक्रम की शुरुआत ज्वीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस कार्यक्रम में LIC, PF एवं ESIC के भी अधिकारी शामिल हुए, जहां कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए श्रम अधीक्षक जमशेदपुर दिगंबर महतो ने कहा कि आगामी 15 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योगी मानधन योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को प्राप्त होगा। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को इस योजना से जोड़ने की शुरुआत कर दी गई है, जहां योजना के संबंध में पूरे देश में इस तरह के कार्यशाला का आयोजन कर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 3,000 केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि कार्यालय से दिए जाएंगे, जहां आज पूरे देश में 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, जिन्हें इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंद्रह फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 2019 लॉन्च किया जाना है, उसी के जागरूकता के लिए हम लोग आज एक दिवसीय कार्यशाला सह सेमिनार का आयोजन किए हैं। ये पूरे पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न प्रखंडों से श्रमिक आ रहे हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए वैसे श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र के हैं, जिनकी आयु 18 से 40 के बीच है, उनको जोड़ा जाएगा। उनको 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने का स्कीम है, उनको 3,000 रुपये प्रत्येक महीना पेंशन मिलेगा। हाँ, अभी एक आंकड़ा आया है, उसमें लगभग 42 करोड़ लोग पूरे भारत में असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको इससे जोड़ना है। लोगों को मालूम है, लेकिन इस तरह की योजना, इतनी बड़ी योजना पहली बार लॉन्च हो रही है, इसके कारण हम लोग भी जागरूकता फैला रहे हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो, और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ, तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं, वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं, तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी
आपके अपनों के लिए अनमोल है। के बाद हम फिर हाजिर हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रयास से अब किसान उन्नत खेती कर रहे हैं। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में किसान आधुनिक उपकरणों के माध्यम से पहले से काफी बेहतर खेती कर पा रहे हैं। इससे इनकी जीवन शैली में भी काफी परिवर्तन आया है और ये पहले की अपेक्षा बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए सुमित कुमार की एएमजी न्यूज के लिए एक खास रिपोर्ट। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में इन दिनों खेतों में फसलें लहलहाते नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण है कि अब किसान उन्नत खेती कर पा रहे हैं। समय पर बीज लगाकर और कम संसाधनों के बावजूद तकनीक व उपकरणों का इस्तेमाल कर बेहतर खेती ये किसान कर रहे हैं। किसानों के अनुसार पूर्व में ये इतना कारगर नहीं था, लेकिन जब से सरकार ने उन्हें उपकरण प्रदान किए हैं तब से उनकी खेती पहले से बेहतर होने लगी है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार की तरफ से इन्हें और भी कई सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी जैसे बंद गोभी का किए हैं, लौकी का किए हैं और नेनुआ का करेंगे और खीरा का कर चुके हैं मोटा मोटी। अभी बीज बो दिए हैं, अभी पौधा निकल रहा है। ये देखिए बहुत ही मुश्किल का काम है, मगर सरकार की ओर से थोड़ा सुविधा मिल जाने के कारण, मशीन मिल जाने के कारण अभी मतलब धूप के महीना में हम लोग को थोड़ा कृषि कर पाते हैं। अच्छा। मगर उतना संपूर्ण नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि ये तो डीजल वाला मशीन है, उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है, लागत ज्यादा पड़ता है, फायदा उतना नहीं होता है। अच्छा। अगर हो सके तो इलेक्ट्रिक वाला हो जाने से मतलब हम लोग का कुछ सुविधा होता है। नहीं, गांव में बनाए गए सामूहिक समूह के लोगों के अनुसार इन किसानों को ऐसे समूह से पहले जोड़ा गया और उसके बाद उन्हें सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। उपकरण मिलने के बाद इनकी खेती की प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है और पहले की अपेक्षा इनकी आमदनी भी बढ़ गई है, जिसे ये पहले से बेहतर जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें अगर कुछ और मदद मिल जाए तो ये और बेहतर खेती कर पाएंगे। समिति गठन करने के बाद में जो पठारी एरिया है उस एरिया में हम लोग सिंचित का काम किए हैं, लिफ्ट इरिगेशन लगाए हैं, जिससे कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। वो खेती भी कर रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन उनको और उचित साधन हम लोग नहीं कर पाए, प्रयास में है ताकि वो अधिक से अधिक फायदा हो सके। अब ये लोग डायरेक्ट मार्केट में सामान लेके नहीं जा पा रहे हैं, अब जो भी बिचौलिया आते हैं यहाँ खरीद के सामान ले जाते हैं और वो अपना ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। और यहाँ पर पहले किसान लोग कोई उपज नहीं करते थे, एकमात्र फसल था धान का, जो कि साल भर ये लोग कुछ नहीं करते थे। अब कम से कम है, सरकार की ओर से पहल के बाद किसान को ये फायदा हुआ है लिफ्ट इरिगेशन देने के बाद में, कि ये लोग अभी जैसे लौकी लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, बंधा गोभी लगाते हैं, तो इससे ये पैसा अर्जित कर रहे हैं। लेकिन और इनको पैसा का मुनाफा होना चाहिए था, चूंकि इनके पास अपना साधन नहीं है। इनके जीवन स्तर में पहले से काफी बदलाव आया है, जैसे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, ये पहले मिट्टी के घर में रहते थे, अब पक्का का घर बना लिए हैं, पहले से डेवलप किए हैं,
थोड़ी और इनको सहयोग की आवश्यकता है। इस मामले में जिले के उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रशासन के द्वारा हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि सरकारी तौर पर मिलने वाली सभी सुविधाएं इन किसानों तक समय से पहुंचे और किसानों का फसल बेहतर हो, इस कारण से उन्हें आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें समय समय पर उनकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है ताकि उसका लाभ वे खेती कर उठा सके। ये सरकार की योजनाएं हैं, इसे CA to TSP जो केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत आदिवासी किसानों को लिफ्ट इरिगेशन की फैसिलिटीज दी गई थी ताकि वो अपने से खेती कर सकें, कभी भी लीन पीरियड में उनको पानी की दिक्कत नहीं हो। और हम लोग उन योजनाओं को जाके टाइम टू टाइम उसकी विजिट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और हम लोगों ने यह पाया है कि उन योजनाओं से उन किसानों को जिनको हमेशा बारिश के पानी पर डिपेंड रहना पड़ता था, आज के समय में वो खुद उस पानी से इतनी अच्छी खेती कर पा रहे हैं और उनकी आय वृद्धि भी इतनी अच्छी हो रही है कि किसान काफ़ी खुश हैं और उनको कभी पानी की दिक्कत महसूस नहीं हो रही इन योजनाओं से, खासकर लिफ्ट इरिगेशन की योजनाओं से। जमशेदपुर के मानगो अक्षेत्र कार्यालय में झाविमो अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने विभाग पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। मौके पर झाविमो के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मानगो क्षेत्र में समस्याएं भरी पड़ी है और अक्षेत्र विभाग केवल खाना पूर्ति कर रही है। इन्होंने कहा कि आजाद बस्ती तथा उलीडी इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसकी सफाई नहीं की जाती। साथ ही क्षेत्र में पाइपलाइन का कार्य अधूरा पड़ा है जिसे भी पूरा नहीं किया जाता। साथ ही साथ कई स्थानों पर सड़कें बनने के लिए टेंडर भी हो चुके हैं लेकिन सड़कें नहीं बनाई जा रही है। इन्होंने कहा कि विभाग अपनी मनमानी करती है और जन समस्याओं के समाधान के पर केवल खाना पूर्ति ही कर रही है। मानगो क्षेत्र के विभिन्न स्थानों, आजाद बस्ती से लेकर विभिन्न स्थानों की जन समस्या एक विकराल रूप ले ली है और कहीं ना कहीं ये जनहित के विषय पर निर्णय लिया गया और इस निर्णय के में पूरा झारखंड विकास मोर्चा के जिला के तमाम पदाधिकारी उपस्थित। जो पाइपलाइन बिछी है इसका JBM स्वागत करती है लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी चल रही है और कहीं ना कहीं ठेकेदार के साथ में अक्षेस मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारियों की भी साठगांठ है। इसे अविलंब उसको बनाना होगा, इसकी भी मांग को लेकर हम आए हैं। आप जाइए मानगो क्षेत्र आजाद बस्ती में देखिए किस प्रकार नाली की व्यवस्था है, दुर्दशा है, जल का जमाव है, बीमारी की वहां पर आप न जाने किस प्रकार की मलेरिया फलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की वहां पर घातक बीमारियां हो रही है। बच्चे और से लेके बूढ़े तक इसे परेशान है बीमारियां से। इधर मानगो उलीडी क्षेत्र में जाइए गंदगी का अंबार है लेकिन यहां पर मानगो अक्षेस के पदाधिकारी नींद से सोए हुए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान,
गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में डॉक्टर अंबेडकर SC ST वेलफेयर समिति द्वारा टेलको क्षेत्र में तोड़े गए मुखी बस्ती के घर के लोगों को नौकरी तथा रहने के लिए घर दिए जाने की मांग पर विरोध रैली निकाली गई, साथ ही जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया गया। ये विरोध रैली साक्षी के अंबेडकर चौक से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां ये प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इन्होंने टाटा मोटर्स कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ज्ञात हो कि तार कंपनी के पीछे बसी मुखी बस्ती के घरों को तोड़ दिया गया था। यहां वैसे लोग निवास करते थे जो कंपनी में अपनी सेवा देते थे। इन्होंने कहा कि जब कंपनी खराब स्थिति से गुजर रही थी, तब भी इन कर्मचारियों के द्वारा अपनी सेवा कंपनी को दी गई थी, लेकिन कंपनी ने इसे दरकिनार करते हुए उनके निवास को तोड़ दिया। इन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि इन सभी को मुआवजे के तौर पर नौकरी दी जाए, साथ ही इनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। दो मुद्दे का हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है जो 10% आरक्षण, सवर्ण आरक्षण, और दूसरा है 13% रोस्टर। उसके साथ जो लोकल मुद्दा है, टाटा मैनेजमेंट ISPW के द्वारा पिछले महीने 29 तारीख को हमारी जो हरिजन बस्ती है, तार कंपनी हरिजन बस्ती, उसको पूरी तरह से उजाड़ लिया गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग थ्राइस टाइम DC महोदय को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से, अपने गिरेबान से अवगत कराए थे। हम लोग 15 जनवरी को फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम 28 जनवरी को ज्ञापन देकर अपने हालात से अपनी, आज हम लोग फिर उन्हीं मुद्दों पर DC महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और अगर हमारी समस्याओं का सही ढंग से निराकरण नहीं होता है, तो हम लोग अपने पूरे समुदाय और इस पूरे ST/ST वर्ग के साथ ISPW का गेट जाम करने का काम करेंगे और कंटिन्यूस धरना प्रदर्शन, और जरूरत पड़ा तो आमरण अनशन तक भी जाएंगे हम लोग। जमशेदपुर में 16 फरवरी से 3 दिवसीय निशुल्क स्पर्श विधि उपचार शिविर का आयोजन जायसवाल समाज की ओर से किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान समाज के लोगों के द्वारा दी गई। शरीर के जटिल से जटिल जोड़ों के दर्द को महज 5 मिनट की स्पर्श थेरेपी के माध्यम से अब शहरवासियों को छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ से प्रसिद्ध स्पर्श थेरेपी विशेषज्ञ वीरेंद्र शर्मा जी का जमशेदपुर में आगमन हो रहा है, जहां 16 फरवरी से 18 फरवरी तक बिष्टपुर के कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया स्थित उदानी जैन भवन में जायसवाल समाज की ओर से 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं समाज के ज्ञान चंद्र जायसवाल जी ने बताया कि सर्वाइकल माइग्रेन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइसिस, साइटिका, अर्थराइटिस, कंधे और घुटने के दर्द जैसे तमाम जटिल बीमारियों का इलाज स्पर्श थेरेपी की विधि से की जा रही है। चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है जायसवाल समाज द्वारा, इसमें स्पर्श विधि द्वारा श्री वीरेंद्र शर्मा जी चंडीगढ़ से आ रहे हैं, इस सेवा का लाभ शहरवासियों को देने के लिए। अभी तक लाखों लोगों का इलाज स्पर्श विधि द्वारा सफल आयोजन कर चुके हैं। ये सिर्फ देशों में ही नहीं, विदेशों में भी इनका आयोजन समय समय पर हुआ जाता किया जाता है। बेसिकली स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, बात, इन सब चीज़ों दर्द निवारण उपचार बेसिक करते हैं। यहाँ तक कि कैंसर का भी सफल इलाज कर चुके हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।
अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।